ओ गई सो हाई दिस इज गेविंग प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द आर्ट ऑफ स्टीलिंग चिकन डिनर्स एक तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे बिकॉज दे वॉज अ मैच दैट आई वॉज कास्टिंग अलॉन्ग एंड दैट वॉज इन पी एम एन सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन नेपाल रीजन और काफ़ी ही एक अलग मैच था जितने भी लोग वो मैच देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा ये कि वीडियो किस चीज़ के बारे में सो जस्ट सोचिए जस्ट सोचिए एक आदमी चार लोगों से डिनर कैसे छीन सकता है उस चीज़ की आर्ट यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से दर्शाई गई हाँ कुछ गलतियां भी हुई थी और उन्हीं गलतियों पे हम लोग एड्रेस यहाँ पर करेंगे दिस इज नॉट नॉट टू डिफे टीम बट मिस्टेक्स वर मेड इन दिचुएशन उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे सो शुरू कर लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को मेरे सोशल्स लो आप लोगों को ऑन द स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर जरूर आ सकते हैं एंड वी कैन हैव सम कॉन्वर्जेशन अबाउट नाउ दिस वॉज द मोमेंट अगर uh, मैं इसकी बात करना चाहूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेयर्स जो जीवित हैं उसमें क्या चीज़ है कॉप्स का एक प्लेयर बैट कॉप्स का एक प्लेयर एंड पीडब्ल्यू पी का एक प्लेयर एंड स्का ओनली थिंग्स वॉज द जोन लेकिन प्लेयर्स आ सकते थे सोचिए प्लेयर यहाँ से आराम से आ जाए दो प्लेयर्स यहाँ से आ जाए एंड एक प्लेयर अगर यहाँ से भी आता तो दे हैड द जोन फॉर दमसेल्स प्रॉपर जोन एरिया उनके पास आ सकता था वॉट हैपनड एज अ डिफरेंट स्टोरी अब देखिए एक प्लेयर पानी के अंदर है यहां पर और ट्रेजेक्ट्रीज uh, यहाँ से जा रही है मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रीपर को लग रहा है कि कोई ना कोई प्लेयर तो नीचे है और कोशिश भी उसी चीज़ की कर जा रही है कि पहले अपने पीछे वाले को यू नो टेक डाउन किया जाए बट वहीं पर स्काट आती है इस uh, पूरी सिचुएशन के अंदर एंड यू विल सी हाउ इट जस्ट यू नो टर्नज आउट ऑल टुगेदर रीपर आराम से मूव कर रहा है प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है एंड दिस इज ब्रिलियंट आपको आपको अपॉर्चुनिटी का परफेक्टली फायदा कैसे उठाना है जैसे आपको पता चलता है कि अपर्चुनिटी आपके सामने है यू स्टार्ट जस्ट यू नो विथ योर एग्रेशन स्पॉट किया हां टेक डाउन नहीं हुआ बट स्टिल कोशिश बहुत अच्छी करी नाउ कम्स टू दस चार्लेय अगर आपके जीवित है ऐसे में कॉल्स क्या हो सकती है हां या तो थ्रो एबल्स किए जाए या फिर पानी के अंदर रैंडमली शूट किया कैसा हां पानी के अंदर रैंडमली शूट किया जाए या फिर एक प्लेयर पानी में चला जाए वो तैरता रहे और उसके ऊपर बाकी प्लेयर शूट करें ताकि वो लोकेशन बताते रहे एंड बाकी प्लेयर शूट करते रहे बिकॉज फ्रेंडली फायर तो नहीं होता इस गेम में बट uh, इसी चीज़ की शुरुआत हुई कहीं ना कहीं ये नेड अच्छा था दोनों प्लेयर्स को डैमेज पड़ा और अच्छा खासा डैमेज पड़ा चरी को देखिए चरी आगे गए रीपर और कॉप्स को स्पॉट किया था लेकिन uh, जो शॉट था वो लियोन की तरफ से वैम नॉट रॉन्ग यस लियोन की तरफ से आया जो एक दूसरा ऑफ एंगल बना करके बैठे हुए थे उन्होंने एक प्लेयर को यहाँ पर फिनिश कर लिया यहाँ पर एक क्रेट हमें नज़र आएगी इस एरिया में जोकर पानी में कूद चुके हैं चरी पानी में कूद चुके हैं लियॉन पीछे हैं, राइट और हेवन पीछे हैं और रीपर यहाँ पर है ये यह प्लेयर यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल सकता है इस समय वट आई डू इज एक बार के लिए अगर मैं करना चाहूँ एक सेकेंड मैं अपना वेब कैम यहाँ से हटा करके मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाऊँगा ताकि आप लोग पूरा प्रॉपर चीज देख सकें बिकॉज ऑफ मैप की जरूरत नहीं है नॉट लेट्स हैव अ लुक एज फॉर वट इज़ हैपनिंग प्लेयर्स कूद चुके हैं और चरी स्पॉट भी कर चुका है कि ये रहे प्लेयर आखिरी हेवन लियॉन को कुछ नहीं करना इस समय शूट करना है उस प्लेयर पे रीपर स्टार्ट मूविंग ऑन टू द बैक डायरेक्शन चरी उस सेम जगह पर है जहां पर रीपर खड़ा था थोड़ी देर पहले चरी के हाथ में गन है चरी ने इस समय बोला होगा या तो दो मिसकम्युनिकेशन मेरे ख्याल से जो यहां पर हुई है उसमें से एक ये रहेगी आप देखिए पहली मिसकम्युनिकेशन चरित्रे में भी ये बोलियो कि मैं जहां जहां जाऊँगा मेरे ऊपर शूट करना एंड प्लेयर्स ने उस चीज़ की कोशिश करी है आप देखेंगे दूसरी मिसकम्युनिकेशन इतने के में शायद प्लेयर्स को लगा ऐसा होता नहीं है कभी कभी कि आपको लगता है कि यही आपका ओपोनेंट है आपको वो टीम का निशान नहीं दिखता क्योंकि जिस तरीके से शूट किया उस तरीके से लग रहा था कि शायद यही ओपोनेंट बन गए जस्ट 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 हैव अ लुक आप देखिए ये अकेले हैं यहां पर ये यहां पर दूर जा चुके हैं एंड इनके ऊपर कॉन्स्टेंट शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं इनफैक्ट चरी इज नॉट इवन क्लोज ही इज नॉट इवन क्लोज बट उनके ऊपर कॉन्स्टेंट शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं दैट काइंड ऑफ शोज इट कि शायद ये चीज रही होगी आई एम नॉट श्योर आई एम नॉट श्योर बट शायद ये चीज रही हो इतने में रीपर बाहर निकले गन निकाल रहे हैं और फायर बटन ऑटोमे इनका टैप होना शुरू हो चुका है एक प्ले डाउन दो प्लेयर डाउन तीसरा प्लेयर डाउन एक स्प्रे में बेरेल का एक स्प्रे तीन प्लेय डाउन ऑनलो एच पी लुक्स टू द डिफरेंट डायरेक्शन दैट्स द क्विकेस्ट वन बी फोर एवरी वन थॉट का इज विनिंग दिस वन दे आर एट द टेबल टॉप आफ्टर दिस दो बट ये तीन प्लेयर्स डाउन एक स्प्रे में मूव स्विच इज द गन टू एम फोर फ्रॉम बेरेल टू एम फोर फ्रॉम ट्वेल्व पॉइंट टू फिफ्टी एंड रीपर वोलो सरवाइवर जब से आठ टीम जिंदा थी एट टू ट्वेल्व गेट्स बट इसनेता फर्स्ट पोजिशन का वो उठाया पेशेंस गेट्स यू दीज काइंड ऑफ गेम्स एंड दिस वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट 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 वे ऑफ डीलिंग अ चिकन डिनर दैट हिड इट हाँ गलतियां

इनफैक्ट uh, जो मेरे नेपाली काउंटर पार्ट कास्टर हैं अंश उनके मुंह से भी वा निकल के चुप हो गया था मैं और नेक्रो जो हम कास्ट कर रहे थे हम लोग चीख रहे थे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गेम में और हम स्काइट वालों को बोल रहे हैं पीछे देख लो एक बार पीछे देख लो बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट राइट दिस दिस वॉज अ ब्रिलियंट वन दिस वॉज अ ब्रिलियंट वन बट आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर मेरे को जरूर बताना एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो रीपर डिड अ फैंटास्टिक जॉब मैं मिलूंगा आप लोगों के अगले वीडियोस में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे इंडोस्ट ऑसम एंड पीस आउट गाइस